नमस्कार, ओम साई राम। साई की कहानी साई भक्तों के संग आज के इस कार्यक्रम में हम सभी साई भक्तों का स्वागत करते हैं। साई राम। सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की शिक्षाएं और तत्व ज्ञान श्री साई ज्ञानेश्वरी के माध्यम से साई भक्तों के लिए उपलब्ध है। नमस्कार, ओम साई राम। साई की कहानी साई भक्तों के संग आज के इस कार्यक्रम में मैं शिरडी से साई कथाकार नारदीय कीर्तनकार प्रवचनकार किरण शास्त्री सभी साई भक्तों का हृदय के गहराई से स्वागत करता हूँ। साई प्रवाह टीवी शिरडी के माध्यम से दास गुरु महाराज इन्होंने लिखी हुई इनके काव्यों पर आधारित तथा साई भक्त राकेश जुनियाजा जी इनके द्वारा लिखी गई साई ज्ञानेश्वरी इस ग्रंथ का निरूपण कर रहे हैं। इस निरूपण में गुरु और शिष्य का जो संवाद है, उस संवाद में आज के इस एपिसोड में जो हमें शरीर मिला है, इस शरीर में जैसे हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमें धन संपदा जो भी कुछ द्रव्य हमें प्राप्त होता है, इसका किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से इसका प्रयोग करना है, या आने के बाद हमें अहंकार नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आज सदगुरु नाना साहेब चांदोरकर जी को तथा हम सब साई भक्तों को कहने का यह उपदेश कर रहे हैं। तो चलो उन सुंदर से पंक्तियों का हम पठन करते हैं। श्रीमंती दुपारची छाया हे न जाने विसरोनिया, धन मद अंगी आनोनिया, न छळी कोना निरर्थक। आपुली प्राप्ती पाहून दान धर्म करावा जान, उगीच कर्ज काढूनी उधळेपणा करू नये। प्रपंच जरी अशाश्वत, परी हे देह प्रारब्ध सत्य, तो प्रपंच करण्याप्रत द्रव्य अवश्य पाहिजे। शरीरे जैसा आवश्यकता आहे पित्ताची तत्वता, तैसी प्रपंची ज्ञानवंता आहे या धनाची। तो चलो उस सुंदर से पंक्तियों का हम निरूपण करते हैं। सदगुरु यहाँ पर नाना साहेब चांदोरकर जी को बता रहे कि नाना, जो भी हमें प्रारब्ध के वश या प्रारब्ध के अनुसार जो हमें संपत्ति मिलती है, पैसा मिलता है, धन मिलता है, ये धन, ये पैसा, ये संपत्ति, ये कुछ पल के लिए होती है। यहाँ पे बाबा बता रहे कि छाया की तरह होती, जैसे दोपहर की छाया होती है, ये कब निकल जाएगी कुछ पता नहीं रहता है। वैसे ही हमारे जीवन में भी जो संपत्ति हमें मिली है, पैसा मिला है, ये भी उस छाया के अनुसार है। ये कब जाएगा और कब आएगा इसका कोई पता नहीं, इसका कोई अस्तित्व नहीं है कि ये हमारे पास ही रहेगी, ऐसा नहीं। ये कब जाएगी किसी को पता नहीं है। जैसे जादूगर होता है, वो जादूगर की जो माया होती है वो कब बदल देगा हमें भी नहीं पता चलता है, और कब लाएगा
इसका भी हमें पता नहीं चलता है। वैसे ही पैसा कब आएगा कब जाएगा इसका कोई अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार शरीर मिलने पर जो धन संपत्ति मिलती है उसके ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए, बड़ा बड़ा भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बड़ा होने पर भी अहंकार आ जाता है। क्योंकि बड़ा सब कुछ सब कोई बड़ा होने पर दान धर्म करता है, लोगों की मदद करता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बड़े तो सब है। कबीर जी यहाँ पे कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा खजूर का पेड़, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कबीर जी यहाँ पे कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जो खजूर का पेड़ होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उस पेड़ की ना पंच को छाया होती है, ना हमें भूख लगने पर उसके जो फल होते हैं वो मिल पाते हैं। यानी हर कोई बड़ा होने पर सब किसी को किसी ना किसी से काम आएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए धन संपत्ति होने पर भी अहंकार नहीं करना चाहिए, वो है तो किसी की मदद करो, जिसको उसको आवश्यकता है, चाहे पैसे की आवश्यकता हो, चाहे विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी को किताब की आवश्यकता हो, चाहे गरीब हो उसको भोजन की आवश्यकता हो, यानी किसी ना किसी प्रकार से उस द्रव्य से उस धन से मदद करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे बाबा कहते हैं कि नाना पैसा हो धन हो तब ये सब करना है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है धन संपत्ति नहीं है तो कर्जा निकाल के किसी से उधार लेके या एडवांस लेके ये सब कुछ नहीं करना है। जितनी हमारी आमदनी है जितने हमारे पास आता है उसी प्रकार से हमें मदद करनी चाहिए, और जो आता है उससे हमारा परिवार चलाकर जो हमारे परिवार को आवश्यक है उन सब चीज़ों की मांग करके जो बचता है देने की इच्छा है तब आपका करो उसमें दान दे दो। और जैसे ये शरीर हमें मिला है प्रारब्ध के अनुसार उस शरीर को चलाने के लिए भी पैसे की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि पैसे के अलावा कुछ चलता ही नहीं है। जो भी है इस पैसे से ही परिवार चलता है, पैसे से ही सब कुछ होता है। अशाश्वत संसार होने पर भी, क्योंकि शाश्वत तो नहीं है लेकिन अशाश्वत संसार होने पर भी वो सत्य की तरह है, और सत्य मानकर ही उसको चलाना होता है। जैसे शरीर को या पेट में जो हम अन्न ग्रहण करते हैं उस अन्न को पचाने की जो क्षमता जो लाड़ में होती है, और लाल ना होने पर वो भोजन पच नहीं पाता है, उसी तरह हमें भी इस संसार को चलाना है, संसार में रहना है, प्रपंच को उदार निर्वाह करना है तो पैसे की भी बहुत आवश्यकता होती है। यह पैसे को छोड़कर काम नहीं चलेगा। ऐसी सुंदर सुंदर से उपदेश श्री सदगुरु हमें तथा नाना साहेब चंद्र जी को समझा रहे हैं। ऐसे ही सुंदर से उपदेश मैं आपके लिए आगे भी लेकर आऊँगा, और अभी का जो माहौल चल रहा है बहुत खुशी का माहौल है, जिधर चाहो सब गणपति बाप्पा की धुनी सुनाई दे रही है, जिधर देखो गणपति बाप्पा के श्लोक गणपति बाप्पा की स्तोत्र सुनाई दे रहे, सभी साई भक्त गणेश भक्त मिला करके गणेश उत्सव को मना रहे। लेकिन मनाते समय एक सावधानी भी रखनी कि जो प्रशासन के नियमों का पालन करके मास्क का इस्तेमाल करके जो भी नियम है उस नियमों का ढंग से पालन करके हमें ये जो कोरोना महामारी है इसके ऊपर जो संकट है इसके ऊपर भी हमें विजय प्राप्त करनी है। तो सभी गणेश उत्सव को मनाइए, आनंद से मनाइए, लेकिन सभी नियमों का पालन करके। ऐसे ही सुंदर से उपदेश आगे के एपिसोड में भी मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये वीडियो सभी साई भक्तों के घर घर तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार,
ओम साईराम। श्री साई दास राकेश जुनेजा द्वारा रचित श्री साई ज्ञानेश्वरी हिंदी आवृत्ति के साथ तमिल, तेलुगु और मराठी में भी उपलब्ध है। श्री साई ज्ञानेश्वरी के पारायण हेतु श्री साई ज्ञानेश्वरी मंगवाने के लिए संपर्क करें श्री साई सुमिरन ट्रस्ट 9910054133।